हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग मेथड्स ऑफ चैनल। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। उसमें हम जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो स्टडी करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट को, जो प्रोसेस के इनिशियल और फाइनल स्टेट को वो स्टडी करता है। अब हमारे पास उसी हिसाब से हम जो प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा, जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर थर्मोडायनेमिक्स रिवर्सिबल प्रोसेस उस प्रोसेस को करते हैं कहते हैं इफ द प्रोसेस कैन बी टेकन बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अब यहां पे हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे हम जिस चीज के ऊपर एनालिसिस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में उस चीज को हम क्या कहते हैं, सिस्टम्स। और दूसरी चीज हमारे पास जो है सिस्टम के अराउंड जो भी चीज हमारी बच जाती है हम उसको कहते हैं सराउंडिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स। इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम पे हमने यहाँ पे मान लो कोई भी प्रोसेस है वो इनिशियल से फाइनल स्टेट पे गया और फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे आया, तो उसमें क्या है, जब वो इनिशियल स्टेट पे आता है तो उसकी जो सिस्टम या सराउंडिंग्स है उनकी जो एंटिटीज उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, वो एज इट इज ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए अगर, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इसमें हमारे पास अगर मैं देखूं यूनिवर्स जो है वो किससे मिलके बनता है, सराउंडिंग और सिस्टम से मिलके। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, जब सिस्टम और सराउंडिंग वापस उसी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसमें हमारे पास अगर मैं एग्जांपल लूं रियल लाइफ में, वो मान लो इलास्टिक हो गया, ठीक है, या फिर स्प्रिंग हो गया, दो यहाँ पे एग्जांपल है। स्प्रिंग को खींचते हैं और वापस जब छोड़ते हैं उसके वो क्या था, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनली देखें ये सारा क्या है, हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसमें क्या है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रिवर्सिबल प्रोसेस इस उसमें नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं इलास्टिक को भी देखूं, स्प्रिंग को देखता हूं, मैं खींच देता हूँ, इलास्टिसिटी है उसमें, वो वापस आ जाएगा, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ डिस्टॉर्ट होगा, थोड़ा बहुत लेंथ में चेंज होगा। ठीक है, उस लेंथ की चेंज में यहाँ पे हमारे पास क्या कहेंगे, वो प्रॉपरली कोई भी चीज जो है वो प्रॉपरली इलास्टिक नहीं होती है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस प्रॉपरली नहीं होगा, ये सिर्फ एक कह सकते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और इसके एग्जाम्पल हमने लिए हैं, बट ऐसा कोई कंसेप्ट प्रॉपरली मैं अगर हम रियलिटी में माने तो नहीं होता, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, जितने भी जो प्रोसेसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जो कि हम अब आगे पढ़ेंगे। नाउ पीछे हमने क्या करा, रिवर्सिबल प्रोसेस की क्या करी, डेफिनेशन करी, अब उसको हम समझेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने गैस भरी और एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, मूवेबल पिस्टन है। अब यहाँ पे हमारे पास जो गैस है ये एक आइडियल गैस है, वो प्रेशर एग्जर्ट करेगी जो कि मैंने ले लिया पी गैस ले लिया। मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सैंड पार्टिकल्स लेता हूँ, छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके उसको क्या करता हूँ, एक एक करके इसके ऊपर डालता हूँ, पिस्टन के ऊपर। नाउ एक पार्टिकल मैंने इसमें डाला, तो जो पार्टिकल इसमें डाला ये कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, इसके ऊपर, पर उतना ही प्रेशर क्या होगा, जब मान लो यहाँ से एक प्रेशर एग्जर्ट करा इस छोटे से पार्टिकल ने जिसका जो मास है वो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, जिसका मास जो बहुत ज्यादा कम है, और यहाँ से पी गैस जो मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ गैस जो है एग्जर्ट होगा थोड़ा सा जो प्रेशर ऑफ गैस भी एग्जर्ट होगा ऊपर की तरफ। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि पी एक्सटर्नल माइनस पी गैस, बाहर से जो एक्सटर्नल जो चल रही है और पी गैस जो है हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब क्या है कि डिफरेंस इन द प्रेशर मतलब पी एक्सटर्नल माइनस पी गैस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब हमारे पास क्या करेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे एक और पार्टिकल डालते जाएंगे, तो क्या करेगा, मान लो पिस्टन, जैसे ही मान लो ये मैंने पार्टिकल डाला और पिस्टन थोड़ा सा मूव किया नीचे को,
ठीक है, पिस्टन पर पार्टिकल डाला और पिस्टन थोड़ा सा मूव किया नीचे को, लेकिन जो गैस है अंदर, वो जो कंप्रेस हो रही है गैस, वो क्या करेगी, प्रेशर एग्जर्ट करेगी। प्रेशर एग्जर्ट करने के बाद वो क्या कर देगी, उसको फिर दोबारा से ऊपर कर देगी और वो उसी लेवल पे आ जाएगा और वहां पे पार्टिकल पड़ा रहेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में दोबारा से आ जाएगा। ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, जहां पे जो पिस्टन है वो वाप नीचे जाने के बाद भी वापस उसी पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पे, उसी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या है, एक तो इन्फाइनाइट टाइम लग रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस में करने के लिए, हमें इन्फाइनाइट टाइम लगेगा और हमारे पास कितने होंगे, इन्फाइनाइट स्टेप्स होंगे। उस चीज को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे जैसे सैंड पार्टिकल एक के बाद एक डालते जाएंगे, वो नीचे जाता रहेगा, फिर प्रेशर डालेंगे गैस और वहीं पर वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, जब के पिस्टन जो है वो अपनी ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगला हमारे पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस। पीछे हमने क्या पढ़ा, रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें हम सिलेंडर में देखा कि हमने एक आइडियल गैस भरी और ऊपर से सैंड पार्टिकल्स डालते गए, तो उसमें क्या था, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जो क्या थे वो सेम आ गए थे और जो पोजीशन थी वो इक्विलिब्रियम में आ गई थी। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं है। इरिवर्सिबल जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो हम प्रोसेस है उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसमें जो प्रोसेस है, द प्रोसेस कैन नॉट बी टेकन बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अब हमारे पास इसमें क्या है कि हम ओरिजिनल स्टेट में इसको लेकर नहीं जा सकते। अब जैसे मान लो इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं, मान लो मैंने जो क्या कहते हैं फ्यूल कंबशन को देख लेते हैं। अगर मान लो ऑटोमोबाइल है हमारे पास, कोई व्हीकल है, उसमें फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, उसको चलाते हैं, तो वो क्या होता है, फ्यूल जो है वो उड़ जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपने आप को मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है और वो वापस नहीं आ सकता, वो फ्यूल को हम दोबारा वापस नहीं लेके आ सकते। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या चीज़ है, मान लो हमारी जो स्लीपर्स हैं, स्लीपर्स हम जब चलते हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्लीपर्स हैं वो क्या होती जाती है, उनके जो नीचे से है वो जो लेयर है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण वो जो रबर है वो क्या करती है, फ्रिक्शन जो है वो सरफेस का फ्रिक्शन होता है और वो जो रबर है वो घिसती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास सारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जिसको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते। अब हमारे पास जैसे मान लो, मैं वही सेम एग्जांपल लेता हूँ, एक हमारे पास सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे मूवेबल पिस्टन लगा दी और बीच में यहाँ अंदर डाल दी गैस। गैस में कोई प्रेशर लगाना है जो कि हमने ले लिया पी गैस। ठीक है, अब मान लो मैंने एक मास ऑफ बॉडी ले ली एम, पत्थर ले लिया, मान लो एक पत्थर ले लिया भारी सा, ठीक है, 3-4 किलो का पत्थर ले लिया, ठीक है, स्टोन ले लिया, मान लो इसका वेट जो है 4 kg है। तो अब हमने क्या किया, पिस्टन के ऊपर 4 kg का पत्थर रख दिया भाई साहब। 4 kg का पत्थर रखने के बाद क्या होगा, जो पिस्टन है यहाँ से हमारे पास क्या लगेगा, पी एक्सटर्नल लगेगा। पी एक्सटर्नल यहाँ पे हमारे पास देखेंगे कि पी एक्सटर्नल जो है, अगर मैं गैस में से माइनस करूंगा प्रेशर ऑफ गैस में से, तो वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब क्या है, केस में एक तो फाइनाइट स्टेप लगेंगे, पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, इसमें क्या लगेंगे, फाइनाइट स्टेप लगेंगे, फाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, एक ही बारी में हमने यहाँ पे कर देते हैं, मान लो भारी पत्थर दे, वो सीधा पिस्टन क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो वेट है 4 kg का वेट बहुत ज्यादा है, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो बहुत ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या हो जाएगा कि जो dp है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट स्टेप होंगे, फाइनाइट टाइम होगा यहाँ पे हमारे पास, और हम इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर सकते। इसमें हमारे पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस था उसमें क्या था कि हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते थे, इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। नाउ ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है कि इसमें ये पूछा गया है कि विच रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी जो है यूनिट है हमारे पास जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 जूल है, या 1 आर्ग है, या फिर 1 कैलोरी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास क्या, हमें यूनिट का थोड़ा सा पता होना चाहिए। मान लो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि जो 1 कैलोरी होता है, जो 1 कैलोरी होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है,
और जो 1 जूल होता है हमारे पास वो 10^7 अर्ग के बराबर होता है, और जो 1 अर्ग होता है हमारे पास वो होता है 6.4 × 10^11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे हमारे पास देखेंगे जो सबसे छोटी यूनिट है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास क्या देख के निकल के आ रही है, 1 कैलोरी। तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन रिप्रेजेंट करेगी, कैलोरी करेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है 4.2 जूल्स है, और जूल्स के अंदर क्या है सारी बाकी जो है यूनिट्स आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी सबसे बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी एनर्जी में, कैलोरी होती है। ठीक है, हम मेनली क्या है जूल में रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, पर कई बार क्वेश्चंस में क्या है कैलोरी के बारे में भी पूछा होता है भी कितनी कैलोरी एनर्जी आई है, तो वो भी निकालना आना चाहिए। तो हमारे पास जो 1 कैलोरी है वो 4.2 जूल के बराबर होती है। ऐसे न्यूमेरिकल के बारे में बस यूनिट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1 कैलोरी। नाउ आफ्टर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है साइक्लिक प्रोसेस का। जैसे नए नाम से ही हमें पता लग रहा है यहाँ पे साइकिल की तरह एक प्रोसेस चलेगा हमारे पास, सेम वैसे ही हमारे पास क्या चीज़ है, ये बहुत तरह के प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो स्टार्ट, ठीक है, और फाइनल जो स्टेट होती है वो सेम होती है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करेगा और रिटर्न करेगा वहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक स्टेट होगी, जो थर्मोडायनेमिक स्टेट होगी हमारे पास वो क्या होगी, वो सेम होगी। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अगर मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, प्रेशर और वॉल्यूम का अगर ग्राफ बनाया जाए, यहाँ पे प्रेशर है वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास है वॉल्यूम, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यहाँ पे अब क्या है प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है। तो हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है, मान लो ये तरह का एक ग्राफ है, इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं, ए बी सी और डी। यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज चल रही है इस साइड को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मान लो जो प्रोसेस है अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर क्लॉकवाइज चल रहा है इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन है वो, जो वर्क डन है वो बाय द सिस्टम हो रहा है। मतलब क्या है कि सिस्टम को हमने कुछ प्रोवाइड किया, वो हमें कुछ प्रोवाइड करेगा, यही होता है। अगर मान लो ऑटोमोबाइल को हम क्या करते हैं फ्यूल देते हैं, तो वो क्या करते हैं चलने शुरू कर देते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमें पहुंचाती है। वैसे ही हमारे पास क्या है, अगर वो चीज़ क्लॉकवाइज चल रही है तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, जिसको हम एनालिस कर रहे हैं उसके ऊपर क्या होगा, वो हमें वर्क डन देगी। अगर मान लो जो प्रोसेस है, अगर जो प्रोसेस है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या है हमारे पास जो वर्क डन है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन जो है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय द सिस्टम कब है, जब प्रोसेस क्लॉकवाइज चल रहा है इस साइड में, जब वो जो प्रोसेस है वो उल्टा चलने लग जाएगा, तो ये क्या मतलब हो जाएगा कि जो वर्क डन है वो हम उसके ऊपर कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हम अब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ हम अब साइक्लिक प्रोसेस को फर्दर स्टडी करेंगे, उसमें क्या देखेंगे, हमने पीछे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हमारे पास क्या था कि हमें अगर मान लो थर्मोडायनेमिक के टर्म में कहना हो कि प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक या एक से ज़्यादा आपके जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है उनको चेंज होना है। अगर वो उनमें कोई चेंज आ रहा है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक प्रोसेस, सिंपली हम इसको प्रोसेस लेके चले, तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ए से बी में कोई भी जा रहे हैं, मान लो ए से बी तक जा रहे हैं, तो उसमें क्या मतलब है, उसका मतलब है कि वहां पे हमारे पास क्या है चेंज आना चाहिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में, कोई ना कोई यहाँ पे चेंज आना चाहिए। ठीक है, और बी से सी जाएंगे तब वहां पे कोई चेंज आना चाहिए। अब मान लो मैं एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ले लेता हूँ क्यू, स्टेट फंक्शन ले लिया मैंने क्यू, क्यू क्या ले लिया स्टेट फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास देखेंगे ए में मैंने ले लिया क्यू 1, क्यू 2, क्यू 3 और क्यू 4। ठीक है, अब चारों को अगर मान लो साइक्लिक प्रोसेस है, मैं चारों को ऐड करूंगा तभी मेरे पास एक साइक्लिक प्रोसेस बनेगा। क्यू 3 प्लस क्यू 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास साइन होता है साइक्लिक प्रोसेस को
जो शो करता है इस साइन से, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन आ गया टोटल का। हमारे पास जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे A से B के जाने के लिए क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, ठीक है। Q1 के लिए हमारे पास क्या है, सॉरी QAB BC CD DA ये आ जाएंगे हमारे पास। अगर मान लो मैंने QAB तक जाना है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, Q2 माइनस Q1 आ जाएगा, Q2 माइनस Q1 हमारे पास क्या हो जाएगा, QAB आ जाएगा। अगला हमारे पास ऐसे ही Q3 माइनस Q2, Q3 माइनस Q2। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि Q1 से Q2, यहाँ पे A से B जाने के लिए यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q1 है, तो Q2 माइनस Q1 आ जाएगा हमारे पास QAB, ये वाला जो प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम BC के लिए करेंगे, CD के लिए करेंगे और DA के लिए, ये आ जाएगा 3 माइनस 2, ये आ जाएगा प्लस Q4 माइनस Q3। अगला हमारे पास आ जाएगा Q1 प्लस Q1 माइनस Q4। यहाँ पे देखिए DA, देखिए Q1 माइनस Q4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये कैंसिल आउट, Q1 से Q1 कैंसिल आउट, Q3 से Q3 कैंसिल आउट और Q4 से Q4 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। जो स्टेट फंक्शन आ गया हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस का, वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात यहाँ पे समझ आई, जो स्टेट फंक्शन है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, किसका, साइक्लिक प्रोसेस का। नाउ अब हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन है, द नेट एनर्जी ऑफ अ साइक्लिक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस इज, हमारे पास नेट एनर्जी जो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस की कितनी होगी, यहाँ पे लिख रखा है 3/2 RT, जीरो ग्रेटर लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे जो हमने पीछे प्रूव किया कि हमारे पास जो ये चीज हमने जो प्रूव की, ठीक है, इसमें हमने इसको क्या लिया था, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल लिया था। अब हमारे पास ये चीज है कि जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या है, एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है एनर्जी। तो हमारे पास जो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर सिंपल है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। न्यूमेरिकल समझ आएगा साइक्लिक प्रोसेस का, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जीरो। नाउ हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ प्रोसेसेस। पहले जो हमने प्रोसेस पढ़े वो पाथ पे डिपेंड थे, ये जो प्रोसेस है इसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पे डिपेंड है कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को कॉन्स्टेंट रखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा। अगर यहाँ पे देखें, पहला जो हमारे पास है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा जाए, ठीक है। टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना है, अगर मान लो मैं इसको टी ले लेता हूँ, टेम्परेचर टी है, अगर मान लो मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ डीटी की तो क्या आ जाएगी मेरे पास, जीरो आ जाएगी, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब क्या है, T2 माइनस T1, अगर मैं यहाँ पे ये लूँ कि ये फाइनल का है और ये इनिशियल का है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है, प्रोसेस की, तो T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। अगला जो हमारे पास है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है, इसमें क्या होगा, हीट जो होगी जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सिमिलरली यहाँ पे डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास क्या है, अगर मान लो मैं डिफरेंशिएशन करूँ कांस्टेंट की तो वो जीरो होती है, वही यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो डी क्यू क्या है, हमारे पास हीट कॉन्स्टेंट है तो डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। जब भी हीट कॉन्स्टेंट होगी उस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। नाउ जो अगला हमारे पास प्रोसेस है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें हम प्रेशर को यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर मैं कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन या मतलब क्या है प्रेशर की डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो जीरो ही, ऐसे कंडीशन वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। जो हमारे पास लास्ट प्रोसेस आता है वो है
आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं ठीक है जिसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि जो dv है इज इक्वल टू v2 माइनस v1 वो क्या होगा, जीरो होगा। इस तरह के प्रोसेसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैथ्स अप चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।